बिहार में आए दिन विद्यार्थी और शिक्षक का प्रदर्शन देखने को मिलता है। अपनी मांगों को लेकर के वो सड़कों पर बैठते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन नतीजा उनको लाठी डंडे से पीटकर वापस घर भेज दिया जाता है। अब फिर से पटना की सड़कों पर एसटीईटी के सफल अभ्यर्थी उतरे हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफिस का घेराव किया है और साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के नीतियों को कोस रहे हैं। उनका कहना है कि 2019 में ही उनका एग्जाम लिया गया, दो दो बार एग्जाम ले लिया गया, रिजल्ट को भी एक साल बीत गया, लेकिन एक साल के बाद भी अभी तक ना तो सर्टिफिकेट मिला है और ना ही नौकरी। इन सभी एसटीईटी सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि इस गलत नीति के वजह से इन सभी का भविष्य अंधकार में है। देखिए, हम लोग सर्टिफिकेट की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और सरकार की जो गलत नीतियां अपनाई गई हैं हम लोग के लिए, इस नीतियों के खिलाफ बैठे हुए हैं। बिहार के गरीब बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हुए हैं, हमारे पीछे जो 10 परिवार मर रहे हैं भूखे, उनके लिए बैठे हुए हैं। अपनी योग्यता, जो सरकार हमारी योग्यता को दबा रही है, उसके लिए बैठे हुए हैं। आज तक बिहार सरकार हम लोगों का सोचिए, हम लोग स्टेट क्वालिफाइड 2019 में विज्ञापन आता है, दो दो बार एग्जाम लिया जाता है और रिजल्ट आने के एक साल बाद भी हम लोगों का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। ये सरकार की नीति, बिहार सरकार की, आप देख रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में किस तरह से ये बिहार सरकार अपनाती है, जैसा कि आप जानते हैं। अब मैं इसका एक और पक्ष दिखाता हूं कि हम लोग दो खेमे में बढ़ चुके हैं, मेरिट और नॉन मेरिट। सरकार इस तरह की दोहरी नीति बिहार के जनता को लड़ाने का काम कर रही है। क्या राजा का यही काम है? पूर्व प्राचीन समय का इतिहास कहता है कि राजा के दरबार में जनता के विवाद को सुलझाया जाता था, जनता को एक जगह किया जाता था, उनके विचारों को एक किया जाता था। लेकिन आज के परिवेश में ये जो हमारे राजा हैं नीतीश कुमार सुशासन बाबू, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी यही नीतियां हैं जो हम लोग को लड़ा रहे हैं? आप 12 मार्च को रिजल्ट प्रकाशित करते हैं, आपके शिक्षा मंत्री, आपके आईपीएस अधिकारी, ये बीएससीबी अध्यक्ष जो है आनंद किशोर जी, हमारे प्रधान सचिव संजय सर जी, वो कहते हैं कि 12 मार्च को कि आप लोग 24,000 ही क्वालिफाइड हैं, सीट हमारी 37,000 थी, तो इसके अनुसार आपकी नियुक्ति पक्की है। फिर वो बताइए कि 21 जून को 80,000 का डाटा कहां से लाते हैं और हम जैसे अभ्यर्थियों को नॉट मेरिट में कर देते हैं? ये दोहरी नीति क्यों? हम जब 12 मार्च को मेरिट में थे, क्वालिफाइड थे, तो 21 जून को हम नॉन मेरिट में क्यों? फिर 26 तारीख को आप कहते हैं कि नहीं, सभी लोग इक्वल हैं, सबको हम नियोजन इकाई में मौका देंगे। क्या आपकी ये लड़ाने की नीति सही है? और मौका देने का कह करके आज तक आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। कब मौका देंगे? हम मर जाएंगे तब, हमारी योग्यता खत्म हो जाएगी, तब कब मौका देंगे? सरकार से यही पूछना है और जल्द से जल्द सर्टिफिकेट जारी कीजिए, वरना हम किसी को मारने की बात नहीं करते हैं। आप आइए, हमको मार दीजिए, हम खुद भी मर करके बुद्धिजील होने का कलंक नहीं लेंगे। आप आइए। लोग बिहार बोर्ड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, आखिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन का मेन जो कारण है ना भैया, कि बताइए 12 मार्च को रिजल्ट आया, 12 मार्च को रिजल्ट आने के बाद आज एक साल होने को है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा है, ये बताइए भैया। मतलब एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आपको, सीनेट का जब एग्जाम होता है तो सीनेट के एग्जाम रिजल्ट होने के बाद 15 दिन के बाद आपको पीडीएफ मिल जाता है या फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो भाई, कैसा डिजिटल बिहार आप बना रहे हो, जो सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा है, एक साल होने को सर्टिफिकेट ही नहीं मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपके द्वारा, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा बैकडोर एंट्री जो हुई है उनको छुपाने के लिए या फिर जो भी है मिक्सिंग करने के लिए ये इतना डिले किया जा रहा है, भाई फ्रस्ट्रेट हो गया है। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग का मेन मोटो है सर्टिफिकेट लेके ही जाए। कहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग बीएससीबी बोर्ड के सामने में प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने संख्या में अभ्यर्थी हैं आप लोग? यहाँ पे संख्या होगा 200 से ऊपर।